आज के इस विशाल कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आसाम के लोकप्रिय यशस्वी आप सबके दिलों में बसे हुए ऐसे हमारे मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, हमारे बहुत ही जुझारू, कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष रंजीत कुमार दास जी, हमारे पार्टी के महामंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी सम्माननीय राम माधव जी, हमारे बहुत ही प्रिय मित्र और हमारे असम सरकार में मंत्री और नेडा के चेयरमैन भाई हेमंत बिस्व शर्मा जी, हमारे वर्तमान जनरल सेक्रेटरी फणीन्द्रनाथ शर्मा जी जो संगठन का काम देख रहे हैं, श्री रमन डेका जी जो हमारे राष्ट्रीय मंत्री हैं, श्री नारायण चंद्र बरकटाटी जी, अजय जमवाल जी हमारे संगठन मंत्री, श्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य जी असम सरकार में मंत्री, राजेंद्र गोहेन जी जो हमारे पूर्व मंत्री रहे, हम सब के बहुत ही आदरणीय और सम्माननीय हम सब की बड़ी दीदी श्रीमती विजय चक्रवर्ती जी, रंजीत दत्ता जी, चंद्रमोहन पटवारी जी, परिमल जी, मंत्री परिषद के सभी वरिष्ठ सदस्यगण, सांसदगण, विधायकगण और इतनी बड़ी संख्या में यहां पर एकत्र आए असम के 25,000 बूथ के सभी अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता बंधु, आप सबकी संख्या जो आज यहां 12 बजे मैदान में एकत्र हुई है यह बता रही है कि असम की जनता ने जो काम असम की सरकार ने किया है उसको शाबाशी देने के लिए और उसका समर्थन करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मित्रों, मैं जब यहां आया हूं तो शक्तिपीठ कामाख्या देवी जी का हृदय से नमन करता हूं, क्योंकि उनकी शक्ति से नहीं सिर्फ असम, नहीं सिर्फ अखम, बल्कि सारे देश में भक्ति भावना की जागृति होती है। ऐसी शक्तिपीठ में कामाख्या देवी जी को हम नमन करते हैं। मैं महान विभूति संत श्रीमंत शंकरदेव जी, अनजान फकीर जी, हमारे माधव देव जी को नमन करता हूं जो इस पावन धरती से संबंध रखते हैं। हम जब यहां आसाम में आए हैं तो हम भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली जी को नहीं भूल सकते, हम भारत रत्न भूपेंद्र हजारिका जी को नहीं भूल सकते जिन्होंने हमारी संस्कृति की रक्षा करते हुए असम को, अहम को देश के साथ जोड़ने में जो काम किया है उनको हम नमन करते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, यहां पार्टी के सदस्य, बूथ के सदस्य सब लोग आए हुए हैं। मैं कुछ विषय आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। देश में लगभग 2,300 राजनीतिक दल हैं, जिसमें से 54 ऐसे राजनीतिक दल हैं जो क्षेत्रीय हैं और जिनको इलेक्शन कमीशन ने अपना रिकॉग्निशन दिया हुआ है, उनको उन्होंने मान्यता प्राप्त है, और 7 ऐसे राष्ट्रीय पार्टी हैं जिनको राष्ट्रीय मान्यता दी गई है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि सारी 54 की 54 राजनीतिक दल, ये राजनीतिक दल पारिवारिक दल बन चुके हैं, कोई भी दल वैचारिक दल नहीं है। ऑल रीजनल पार्टीज हैव बिकम
डायनेस्टिक पार्टीज, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। और राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दिया जाए तो सभी दल पारिवारिक दल बन चुके हैं, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के, जो एक आइडियोलॉजिकल पार्टी खड़ी है। यह हमको समझना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि विचारों के साथ भारत की सेवा करना, एक दृष्टि लेकर चलना, एक विचार लेकर चलना, और उस विचार को धरती पर उतारते हुए मां भारती की सेवा करते हुए देश का तकदीर बदलना, तस्वीर बदलना, यह काम अगर किसी ने पकड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ा है। मैं कई बार अपने लोगों को कहता हूं कि आप यहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाय आइडियोलॉजी बने हो, बाय चॉइस बने हो, बाय एक्सीडेंट बने हो, या बाय सर्कमस्टांसेस बने हो, किसी भी हालत में अगर आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं तो आपको ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने वाली अगर पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है जिसके साथ आप सहयोग में खड़े हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एक बदलाव आ रहा है। जो 70 साल से फैसले नहीं हुए थे, वो 70 साल से फैसले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ले करके एक विषय को सामने रखा है कि देश को चलाना हो तो मजबूती से चलाना पड़ता है और मजबूत इरादे के साथ चलाना पड़ता है। यह धारा 370 का नारा, हम लोग नारा लगाया करते थे बचपन में, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। जब हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होते थे तो हम ये नारा लगाते थे कि कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। और दूसरा नारा लगाया करते थे, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर में अपना विधान था, अपना संविधान था, निशान भी दो थे, एक जम्मू कश्मीर का निशान था और एक भारत का तिरंगा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब आपने 303 एमपी चुन करके दिल्ली मई महीने में भेजे तो अगस्त महीने में नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति ने और अमित शाह जी की सूत्रधार होने के नाते धारा 370 को धाराशाही कर दिया। ये हम आपको बताना चाहते हैं। और आपके यहां कांग्रेस के मित्र बोलते हैं कि तुमने कभी कश्मीर देखा है? वहां कुछ अगर धारा 370 समाप्त हो गई तो तुम्हारा क्या हुआ? हमारे कांग्रेसी मित्र बोलते हैं कि धारा 370 से क्या अंतर पड़ता है? मैं असम की जनता को बताना चाहता हूं कि जितनी खुशी आपने धारा 370 समाप्त होने की है, उससे ज्यादा खुशी जम्मू कश्मीर के लोगों ने मनाई है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। और यह मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देर वॉज नो ट्राइबल सीट फॉर पोलिटिकल रिजर्वेशन इन जम्मू कश्मीर। सारे का सारा लद्दाख, कारगिल, जंस्कार, ये ट्राइबल है, लेकिन लोकसभा में ट्राइबल रिजर्व सीट नहीं थी। हमारे पुंछ में रहने वाले गुजर और बकरवाल जो मुसलमान हैं, जो भारत मां की रक्षा कर रहे हैं, वो भारत के फौज के साथ मिलकर बॉर्डर की रक्षा करते हैं, लेकिन उनको जम्मू कश्मीर की विधानसभा में ट्राइबल सीट का रिजर्वेशन नहीं था। आज धारा 370 समाप्त हुई है, अब इसके बाद डिलिमिटेशन होगा और पहली बार ट्राइबल सीट पर कोई लोकसभा में पहुंचेगा और ट्राइबल सीट पर कोई विधानसभा जम्मू कश्मीर में पहुंचेगा, यह परिस्थिति आएगी। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वहां जो रिजर्वेशन है, उस रिजर्वेशन के तहत
सफाई कर्मचारी का बेटा सिर्फ सफाई कर्मचारी लग सकता था, वो कोई और नौकरी नहीं कर सकता था। लेकिन आज धारा 370 समाप्त होने के बाद अब सफाई कर्मचारी का बेटा भी जम्मू कश्मीर में जुडिशियल सर्विस में भी जाएगा और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी जाएगा। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है। कितना बड़ा नुकसान हो रहा था। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जम्मू कश्मीर में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट नहीं लगता था, भारत के 106 कानून नहीं लगते थे। धारा 370 समाप्त होने के बाद अब 106 कानून भारत के लगेंगे और धारा 370 लगने के कारण प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी लगेगा और जिन नेताओं ने वहां हलवा मांडा पिछले 70 साल खाया है उनके खिलाफ एक्शन भी होगा और उनके खिलाफ दंड भी दिया जाएगा। वो जेल में होंगे या बेल पर होंगे, यह परिस्थिति आकर के खड़ी होगी। ये परिवर्तन जम्मू कश्मीर के कारण 370 में हुआ है।